भयंकर जंगल। आओ आओ आओ। अरे बाप रे भाई, सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 3:30-4 और मैंने भैया को जगाया कि भैया मैं तो चेकआउट कर रहा हूँ, सामान लेके। भाई पानी का बॉटल खाली हो गया, पानी भरना पड़ेगा। सो ब्यूटिफुल प्लेस वेयर आई वॉज स्टेइंग, बहुत ही खूबसूरत है यार। यहाँ पे एक्चुअली जो लास्ट हॉस्टल था ना, उसके बदले अगर यहाँ पे ले लिया होता ना तो ज़्यादा मज़ा आता। मेरा फिलहाल रूम तो वहाँ पे था। तो भैया छोड़ दो, मेरी गाड़ी बाहर है ना। हाँ ये फॉर्च्यूनर लगी है ना, ब्लैक ये सामने। अरे गौ माता गुड मॉर्निंग। गौ माता बहुत है, एक नहीं। अच्छा एक नहीं है, बहुत सारे हैं। इधर कितना आया। अरे ये तो फिर से अंदर गया। अरे ऐसे मत करो ऐसे। अरे अरे मेरे गाड़ी से दूर, मेरे गाड़ी से दूर। तो यहाँ से बैंगलोर रहेगा अपना ऑलमोस्ट 11 घंटे का जर्नी, बट मुझे पता है कि 11 घंटे से ज्यादा लगने वाला है। ट्रिप मीटर मैंने जीरो कर दिया है भैया, और सुबह के बजे 4:30 अपना सामान वगैरह लोड कर लिया, हल्का सा हेडलाइट साफ कर लिया है। चलो स्टार्ट करते भैया यहाँ से बैंगलोर तक की जर्नी। बोलो श्री अम्बे मात की जय। आज इस गाड़ी का ना थोड़ा सा नाइट ड्राइव भी टेस्ट हो जाएगा। मतलब मैं रात में इसलिए निकला ना बिकॉज अम्बोली पे जो मैं जैम में फंसा था ना भाई, इतना बुरा फंसा था। तो इस बार शायद हम चोरला घाट होके बेलगाम के साइड निकलेंगे। तो बैंगलोर का डिस्टेंस वैसे भी 11-12 घंटे का रहने वाला है। मैंने कहा जब नींद नहीं आ रही है, एक तो रात में जगने की आदत है ना, तो भाई साहब रात की नींद तो कभी मेरी पूरी होती नहीं है। पीछे एक बोर्ड आया था ओल्ड गोवा दिस साइड बेलगाम दिस साइड, तो अपन दिस साइड ही ले लिए क्योंकि जीपीएस भी कह रहा दिस साइड। हाँ बहुत लोग कहते हैं कि भैया रात में कैसे निकल जाते हो वो भी अकेले गाड़ी से। भैया जब आपके पास गाड़ी हो ना तो उससे बड़ा हथियार कोई नहीं है, गाड़ी ना छोड़ो बस कहीं। तो जी बेलगाम दिखा रहा है 140 किलोमीटर्स यहाँ से, बेलगावरी भी कहते हैं बेलगाम को। अभी तो फिलहाल हम गोवा में ही है क्योंकि गोवा पुलिस का ऐसा साइन बोर्ड आया था। अरे भैया ये तो ट्रक पता ही नहीं चलता है ना रात में, सामने से लाइट आती है ना, एक बड़ा गाड़ी आ जाता है तो दिखता ही नहीं है कि कौन आ रहा है। कहाँ आ गए, आई थिंक कुछ गलत रास्ता ले लिया हमने, ये रास्ता रीरूट हुआ था, पीछे लेना पड़ेगा। ये कोई बस स्टैंड आ गया यार, जंगल है ना, पूरा ही पूरा जंगल है भाई। इतने खतरनाक रास्ते से आए ना भाई, मैं 2 मिनट के लिए तो जब इस पे चल रहा था ना, मैंने कहा यार ये हाईवे तो नहीं लग रहा है, फिर मैंने कहा चलो ठीक है हाईवे में मिल जाएगा, पता चला बस स्टैंड है भाई। देख रहे हो अभी तो लाइट उतनी नहीं पता चल रही होगी आपको, हाई बीम है लेकिन तब भी नहीं पता चल रही है भाई, पूरा जंगल है ये भाई। मेरे को समझ भी नहीं आ रहा मैंने इसी रास्ते पे ले लिया, पता नहीं क्या ही दिखा रहा हूँ मैं आपको ना रात के टाइम पे, वैसे भी कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, अपना स्ट्रगल दिखा रहा हूँ, द स्ट्रगल इज रियल। ये देखो आ गया बेलगावरी का बोर्ड, ये बेलगाम को बेलगावरी भी कहते हैं, 125 किलोमीटर, मतलब अपने सही रास्ते पे आ गए। सारी गाय बैठी है ना रोड पे, ऐसा पूरे रोड पे है, और पता है क्या बहुत जगह तो अंधेरा है और काली गाय भाई दिख ही नहीं रही है। हेडलाइट जब एकदम पास आ जा रहा ना तब जाके एक दो बार तो मैंने ऐसा एकदम क्लोज कट मारा। ये देखो इधर भी गाय बैठी है, ये रोड पे भी आ जाती है। भैया साइड में बैठो ना माता, आराम से बैठो, रोड पे बैठ के डिस्टर्ब क्यों करना किसी को। भाई मैं यहाँ पे रुका था एक सुसु ब्रेक के लिए, प्लस एक थंबनेल फोटो लेनी थी मुझे यहाँ पे, तो वो थंबनेल फोटो ले ली। और एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो, एक तो पहले देखो कितनी शांति है भाई, टटर 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 की आवाज आ रही है, गजब आवाज आ रही है भाई, एकदम जंगल है। पता नहीं यार जानवर वानवर है कि नहीं है। ये देखो ये देख रहा है, ये निकल गया क्रोम, ये अभी देखा मैंने भाई, ये कैसे निकला यार, ये क्रोम ये इस पे लगा होता है। भैया मार मत देना, हाँ रिकॉर्ड कर लेंगे तुमको। ये क्रोम लगा होता है यार, ये निकल गया, ये खटर खटर बजेगा, इसको हटाना ही पड़ेगा यार, वाइजर चेंज कराना पड़ेगा क्योंकि यहाँ क्रोम लगा है, यहाँ नहीं लगा है तो अच्छा नहीं लगेगा। और अभी तक तो फॉग वॉक का कोई सीन नहीं है भाई, बाकी सुबह भी हो ही जाएगी थोड़ी देर में। फिलहाल 6 बज गए और अपन ने कवर कर लिया ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स, तो अच्छे रोड से है, मतलब अच्छा 80 का स्पीड मेंटेन कर रहे हैं यार। जबरदस्त रोड देखो भाई, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ चला रहे यार, बहुत ही अमेजिंग, और प्लस सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रहा, जबरदस्त गुरु जबरदस्त।
घाटी वाले सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। हल्का हल्का सा फॉग तो यहाँ पे नजर आ रहा था, अब नहीं आ रहा। अच्छा बीच में ही था, मुझे लगा अच्छा फॉग आएगा आपको नजारे दिखाएंगे, बट मेरा वो पट कट गया आपका भी। मैं यहाँ पे रुक गया, ये सामने ऐसे फॉग सा ऐसा चल रहा है। अब एक बार अंदर आ जाएगा ना तो फिर ये ग्रीनरी आपको दिखा नहीं पाऊंगा। मैंने सोचा गाड़ी से ही रुक के एक बार दिखा दूं, भैया रोड देख लो, पहाड़ देख लो, भैया रोड देख लो, पेड़ देख लो, फॉग देख लो। भाई मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा एक बार आपको उतर के दिखाते हैं। गाड़ी निकल जाए। साइड में लगा दिया, इधर लगाने की जगह थी गाड़ी। ओए होए क्या मज़ेदार है यार, ज़बरदस्त लग रही है भाई। फॉर्चुनर भी ज़बरदस्त लग रही है, नज़ारे भी ज़बरदस्त लग रहे हैं। और पता है ठंड नहीं लग रही है। ये लैंडस्लाइड है क्या, गलत जगह तो नहीं है? नहीं, लैंडस्लाइड तो नहीं होगा, आई थिंक रोड काट के बनाया होगा। भाई इतना मज़ा आ रहा है ना, इतना मज़ा आ रहा है ड्राइव का इस गाड़ी का। मैं सीरियसली बताऊँ, मैं 700 भी चलाया, थार है मेरे पास 500 है, लेकिन इस गाड़ी का जो ड्राइविंग कम्फर्ट है ना भाई, एकदम चिपक के चलती है गाड़ी। आपको ना 80-90-100 मतलब इस पे भी ना अगर हल्का सा कर्व है ना, गाड़ी कहीं भी हिलती नहीं है। बहुत ज्यादा मजेदार है। अभी अचानक से ना हवा तेज हुई तो धुंध ना मतलब ज्यादा फील हो रही है, ज्यादा डेंस हो गई है। मैं तो यहाँ पे ना ऑलमोस्ट 10-15 मिनट से बैठा ही हूँ, मतलब बैठा क्या खड़ा हूँ, बस नॉर्मल ऐसे एकदम चिल करना है। मतलब कोई जल्दी नहीं है अपने को पहुंचने की, 10-12 घंटे जितना भी टाइम लगे अपने आराम से पहुंच जाएंगे। बट ये वाली चीज़ें ना मतलब बार बार नहीं मिलती है। आप सुबह इतनी जल्दी उठो, अर्ली मॉर्निंग आपको ये एक्सपीरियंस हो, तो भाई ये अलग है, ये सीरियसली अलग है। एग्जैक्टली 2 मिनट देखो, धुंध पूरी ख़त्म हो गई यार, पूरी धुंध ही ख़त्म हो गई। अभी कितना ज़्यादा फॉगी था, मैं कह रहा था कि इतना डेंस है, अभी पूरी धुंध ख़त्म हो गई। और एक बार नीचे चल के देखते ना, यही बेस्ट मौका है भाई। देख रहे हो किस्मत कितनी जबर है, क्या मस्त लग रहा है वैली। ये देखो सामने से जो क्लाउड्स मतलब मूव हो रहे हैं, जबरदस्त भाई। भाई वापस से ना मूसलाधार बारिश चालू, और बारिश का तो ये हाल है यार, गुजरात में अगले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट किया हुआ है बिकॉज ऑफ द रेन। फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई है। मेरी बात हुई अभिनव भाई से तो वो तो बता रहे हैं कि बहुत बुरी हालत है यार यहाँ पे, तो फ्लड लाइक सिचुएशन है। तो अभी तो रुक ही जाओ, अभी इस साइड से क्रॉस मत करना, तुम एक काम करो बैंगलोर चले जाओ। देखो बैंगलोर जाने का मेरा कोई मन नहीं था, वो अभिनव भाई ने इन्फ्लुएंस किया मेरे को बैंगलोर जाने के लिए। गलत आदमी, सिटीज ले तो लिए, गड्ढों में घुसाने में ना भाई की हालत खराब हो रही है भाई। अब बड़ी गाड़ी भाई, महंगी गाड़ी, सॉरी बड़ी गाड़ी तो ये है, महंगी गाड़ी GLA, GLA क्या फायदा, ए ले बी ले सी ले, हम तो निकल लेंगे आगे। फाटक पे रुक गए, फाटक पे मर्सिडीज वाला भाई भी आ जाएगा, बताओ सब बर्बाद हो गया मेरा। जितना बेइज्जती की थी सब बर्बाद, कहेगा तुम भी तो फाटक पे ही रुके हो, ट्रेन भगाओ जल्दी से यहाँ से। भाई आ ही गया, देखो चमकती हुई ब्लैक गाड़ी कितनी सुंदर लगती है भाई, मतलब मेरे को तो प्यार हो गया भाई इस गाड़ी से ना, इतनी सुंदर। भैया इंडिकेटर देख रहे हो जमीन पे है, यहाँ नीचे जमीन पे नहीं मतलब जमीन से ऊपर ही है, सुंदर कितनी लग रही है। ट्रेन क्यों नहीं आ रही है यार, सही से इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, बहुत धीरे चल रहा है। गाड़ी को ओवरटेक करके आया था आगे, सब आ गई, सब बराबर हो गई लाइन में। भैया अभी थोड़ी देर में करता हूँ आपको ओवरटेक, ट्रेन नहीं आ रहा है भाई, बहुत दिक्कत है। बताओ बारिश में भीग के ट्रेन रिकॉर्ड करने के लिए खड़ा हूँ मैं, ट्रेन का शॉट आ जाता अच्छा लगता, आपको भी मेरे को भी। ट्रेन बड़ा फैसिनेटिंग होता है ना, ट्रेन फ्लाइट गाड़ी उतना कहाँ फैसिनेटिंग है। पीछे स्टेशन पे खड़े होकर हॉर्न बजा रहा है, बिजली बर्बाद कर रहा है। एक तो सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं, बिजली बिजली चलता है उससे, बताओ पीछे खड़ा होके हॉर्न बजा रहा है, आ जाओ ना भाई।
आइडिया बताई हो, हम कर्नाटका इंटर कर चुके हैं, आई थिंक कर्नाटका शायद पहले इंटर कर गए हैं। एक 55 रुपए का टोल कटा, मतलब वहाँ टोल टैक्स नहीं था, कर्नाटका रोड डेवलपमेंट ऐसे करके कुछ टोल बूथ था, बाकी रोड तो अच्छा है यार, 55 रुपए चलता है भाई। बहुत ज़बरदस्त रोड बनाया है, पीछे का थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा था थोड़ा, इस गाड़ी को तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। जो बाकी अगर जिनका ग्राउंड क्लियरेंस कम है ना, तो उनको थोड़ी बहुत हो सकती है, बिकॉज नीचे शायद टच हो। बाकी जंगल जंगल का रास्ता है, जंगल में मंगल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं NH 48 की तरफ। बेलगाम पहुंचना है ना हमें, वहां से बैंगलोर जाना है, वहां से केरला। केरला का अभी पता नहीं श्योर है कि नहीं है, पता नहीं, मूड पे डिपेंड करता है भाई। एकदम मूड अच्छा रहा तो चलेंगे, मूड खराब रहा तो वापस घर। सो ये नेशनल हाईवे 67 है और 38 किलोमीटर्स के बाद हम नेशनल हाईवे 48 में मिलेंगे। भाई ये जो बेलगाम वाला रास्ता है ना, सीरियसली बहुत ही मज़ेदार है। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप गोवा बाय रोड आ रहे हो तो अम्बोली से आओ, अम्बोली वाला घाट एक्सपीरियंस करो, और रिटर्न में ना बेलगाम से, मतलब ये वाला रास्ता लेके बेलगाम से फिर वापस निकल जाओ, जहाँ भी निकलना है आपको, ताकि आपको ना दोनों रास्ता एक्सपीरियंस हो जाए। वो होता है ना भयंकर ठंडी बियर, भयंकर जंगल भाई, भयंकर जंगल। आओ आओ आओ, अरे बाप रे जी, 1.8 किलोमीटर में अपन NH 48 को हिट करेंगे। ये वाला थोड़ा सा खराब सेक्शन है, हाँ बट ठीक है, गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, सस्पेंशन इसके अच्छे हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा झटका फील नहीं हो रहा है। बट एक बार अच्छे रोड्स आ जाएंगे ना, तो क्रूज वूज पे डाल के चलाएंगे। आई थिंक हम ना बेलगाम से काफ़ी आगे निकले हैं, क्योंकि यहाँ से हुबली सिर्फ 28 किलोमीटर दिखा रहा है, और बैंगलोर धारवाड़ के पास शायद कहीं पर निकले हैं, आई थिंक सो। मतलब मेरी आंखें ना सीरियसली लाल हो गई हैं, लाल तो नहीं हुई है, पता नहीं लाल हुई है कि नहीं, मैं तो खुद देख नहीं पा रहा हूँ, बट बंद हो रही हैं, आँख से ना पानी आ रहा है, बार बार यॉन कर रहा हूँ। कहीं पे गाड़ी लगाते हैं, नींद में नहीं चलाना, ठीक है। अभी कितना टाइम हुआ, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, और अभी टाइम हो रहा है 8:30। कुछ खाएंगे और गाड़ी में थोड़ी देर सोएंगे, क्योंकि नींद में अगर चलाएंगे ना, मेरे हाथ धीरे धीरे ना हल्का होने लगा, स्टीयरिंग हल्का, मैं समझ गया नहीं भाई गड़बड़ हो रहा है। अभी तो क्या है ना कि रोड भी टू लेन ही है, मतलब वैसा ही है, हुबली जब तक क्रॉस नहीं कर जाते ना, तब तक ये 4 लेन भी नहीं होगा। एक चीज तो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया भाई, अभी मेरे को इतनी तेज नींद आ रही थी ना, मेरे सीरियसली हाथे वाते ना एकदम ऐसे ऐसे ढीले पड़ने लगे थे। उसके बाद मैंने अपने एक फ्रेंड को फोन किया और लड़ाई कर ली भाई, इतनी पूरी नींद उड़ गई मेरी, पूरी नींद उड़ गई। अब तो ये चीज़ समझ में आ गया भैया, ये फंडा मिल गया है, लॉन्ग ड्राइव करना है और नींद आ रही है, तो किसी अपने दोस्त को फोन करो या किसी को भी फोन कर लो और लड़ाई कर लो, पूरा एनर्जी बढ़ जाता है शरीर में, करंट। भाई इस रास्ते में सही में ढाबे बहुत कम है, बहुत कम, मतलब मेरे को तो सीरियसली कोई अच्छा सा ना ऐसा ढाबा दिखा ही नहीं यार, मतलब यही महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है, कर्नाटका जैसे हम एंटर किए ना यार, ख़त्म ही हो गए, मतलब विलुप्त हो गए। और दूसरा मेरे को जाना है वॉशरूम, मतलब सुसु करने जाना है। अब बारिश हो रही है बाहर, तो इसमें तो गेट से उतर भी नहीं सकते ना, भीग जाएंगे, फिर मैट गीला हो जाएगा। सामने प्योर वेज टाइप का कुछ तो है भाई, तो यहाँ पे एक बार चल के पूछ लेते हैं भैया से, भैया कुछ खिला दो, वड़ा समोसा कुछ ऐसा है। तो फाइनली अपने को खाने के लिए मिल गया इडली वड़ा एंड डोसा, एक डोसा मैंने भैया को बोला है और इडली वड़ा, पेट भर के खा लेंगे और थोड़ा सा पार्सल भी ले लेंगे, ताकि आगे अगर भूख लगे तो वो खा ले। भाई सुबह से जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, मैं अब जाके पहला ब्रेक लिया है, मतलब पहला ब्रेक जो खाने का भी ब्रेक है ना, अब जाके लिया है, मतलब एकदम नॉन स्टॉप चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ 200-250। भैया बैंगलोर कितना किलोमीटर है इधर से? 265। तो सुबह 600 किलोमीटर के आसपास था, 265 ही बचा है। मेरा तो पूरा पेट भर गया, दो इडली एक बड़ा में मैं एकदम फुल हो गया, मैं तो एक डोसा भी सो जाता, डोसा भी खाऊंगा, बट मेरा तो पेट ही भर गया भाई। ये कॉफ़ी का टेस्ट इतना मज़ेदार है ना, इतना मज़ेदार, एकदम स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है, मज़ा आ गया भाई। तो
आज नौवा दिन है और पहली बार आज शेड्स पहना है। जब घर से निकल रहा था ना तब पहना था, और आज क्योंकि यहाँ पे हल्की फुल्की धूप आ गई है, मतलब सूरज देखे हुए 9 दिन हो गए, फुल जादू वाली फीलिंग आ रही है भाई। जादू जादू टिंग डिंग डिंग डिंग। भाई तुम कुर का टोल अभी क्रॉस किया है और मेरी आंखें सीरियसली बंद होने लगी है, तो यहाँ पे ना थोड़ी देर सोऊंगा यार। मैं सोऊंगा यहाँ से, कितना दिखा रहा है यहाँ से, बस 1 घंटे 26 मिनट दिखा रहा है 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर जबरदस्ती आंख के पानी बार के भी घींच सकते हैं। बैंगलोर में आपका स्वागत है और हम फंस चुके हैं बैंगलोर के किसी फ्लाईओवर पे। फ्लाईओवर याद क्यों नहीं आ रहा था मुझे, और ये SRS, इतनी सारी वॉल्वोज इसकी चलती है ना, मुंबई से बैंगलोर, पुणे से बैंगलोर, महाराष्ट्र से बैंगलोर। तो अब यहाँ से अपना होटल जो है वो 6.3 किलोमीटर है, 20 मिनट लाल दिखा रहा है, मतलब 6.3 किलोमीटर के लिए लाल ही दिखा रहा है। बोलो जुबा केसरी है? बोलो जुबा केसरी यार, बड़ा कंफ्यूजिंग नाम है इसका। हाँ बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं एक बार को देखा, मैंने कहा ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है। गाड़ी हमने यहाँ लगा दिया, इधर तो मिली नहीं पार्किंग, इधर एक्चुअली गाड़ियाँ लगी हुई है, बट आई थिंक अगर इधर मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, बट यहाँ पे लगाऊंगा तो दिक्कत है गाड़ी मोड़ने में। बाकी मैंने किनारे करके लगा दिया कि बाइक भी निकल जाए और अपना लगेज ऊपर चला गया, दोनों बैग लेके जा रहा हूँ ताकि कपड़े ट्रांसफर कर दूँ, कुछ दिन से गंदे कपड़े हो गए ना। द एंटायर कॉमन एरिया एंड रिसेप्शन इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अलग तरीके से बना हुआ है। तो भाई वहाँ से आने के बाद मैं सो गया था शाम में, अपने कपड़े निकाले, जो गंदे कपड़े हैं ना वो चेंज कर रहे हैं। ये इतना बड़ा सा रूम है, इतना बड़ा, स्पेशली ये सैंडलर्स इतने अच्छे लग रहे हैं ना। पंखा भी देखो कितना अलग है यार, एकदम अलग सा ही पंखा है। मैं तो एक बेड लिया, एक बेड पे सामान है। वॉशरूम भी इसका बहुत यूनिक है, वॉशरूम का दरवाज़ा ही बहुत यूनिक है, ये देखो मस्त दरवाज़ा है भाई। और ये एक छोटा सा बार टाइप का, इधर टेबल है कुछ खाने पीने के लिए और जो भी अपना सामान रखा है। तो अच्छा रहा आज का दिन, अभी मैंने अपना खाना ऑर्डर किया है, एक सैंडविच मंगाया था दोपहर में, वो आधा ही सैंडविच खा पाया और अभी खाना ऑर्डर किया है। ये खाएंगे और इस करेंगे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो बड़े थम्स अप, चैनल पे नहीं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन